आज से 2 दिन के दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं। कल तक वो हिमाचल के दौरे पर ही रहेंगे। कल जेपी नड्डा सुंदरनगर में बीजेपी के संगठनात्मक कार्यालय का शुभारंभ करेंगे, जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर सुंदरनगर में नड्डा रोड शो में भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि आज जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचेंगे। पहले बिलासपुर में उनका प्रवास होगा, फिर उसके बाद सुंदरनगर के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। सुंदरनगर में हाल ही में बीजेपी का एक संगठनात्मक कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, उस कार्यालय का शुभारंभ जेपी नड्डा करेंगे और माना यह जा रहा है कि एक रोड शो में भी वो शामिल हो सकते हैं, एक रोड शो भी किया जा सकता है। जगत प्रकाश नड्डा जी 15 दिसंबर को बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां वह रात्रि ठहराव करेंगे। उसके उपरांत 16 तारीख को कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेते हुए वह सुंदरनगर की ओर रवाना होंगे। सुंदरनगर आगमन पर एक रोड शो निकाला जाएगा, अभिनंदन कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत जिला सुंदरनगर का कार्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। यह कार्यालय बनके तैयार हो चुका है और पूरी तरह से सज चुका है। इस कार्यक्रम के उपरांत वह कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद सुंदरनगर से वह मंडी जाएंगे मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में। वहां पर वह विकसित भारत संकल्प यात्रा का भाग बनेंगे, जहां से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ जुड़ेंगे। इस यात्रा का प्रचार करने के उपरांत वह रात्रि ठहराव के लिए कुल्लू जाएंगे और कुल्लू से अगले दिन, जो कि 17 दिसंबर